बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो के साथ हम हाजिर हैं, जो कि बहुत ही आसानी से बन जाने वाला और बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस खाना है। सर्दी के मौसम में सभी शलजम गोश्त को खाना पसंद करते हैं। शलजम गोश्त बनाएंगे आज बिल्कुल वन वे में, ज़रा सा भी इसके अंदर कोई ट्विस्ट नहीं डालेंगे। हम गोश्त लेंगे सिंपल सा, उसको डाल देंगे एक कुकर के अंदर, उसमें डाल देंगे प्याजें, आधा किलो गोश्त है मेरे पास, उसके अंदर प्याज मैंने डाली है 2 अदद बड़े साइज़ की, और टमाटर मैंने इस तरह साबुत ही रख दिए, मेरे पास स्मॉल साइज़ के थे इसलिए मैंने साबुत ही रख दिए। तो ये जब हम कुकर के साथ इसको प्रेशर देंगे तो ये सारा कुछ डिसॉल्व हो जाएगा। हरी मिर्ची मैं यहाँ पे साबुत डाल दूँगी, इसमें कोई मेहनत ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे थोड़े से मसाले ले लेंगे, जिसमें हमने ले लिया है पिसा हुआ जो धनिया है वो मैंने 1.5 चम्मच लिया है, साबुत गर्म मसाला लिया है मैंने 1/2 चम्मच, कुटी हुई मिर्च मैंने 1 चम्मच लिया है, नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट लीजिएगा आप, और हल्दी ली है मैंने 1/4 टेबल स्पून। ये सब हमने डाल दिया है और 2 गिलास पानी के साथ हम इसको कुक करने के लिए रख देंगे। बहुत ही ज़बरदस्त और डिलीशियस सा खाना बन गया तैयार होगा। शलजम गोश्त किसको नहीं पसंद होता, सर्दियों में सबको ही पसंद आता है, और बहुत ही अच्छा और मज़ेदार बन के तैयार होगा। कोई इसके अंदर ज़्यादा झंझट वाले काम भी नहीं है। अदरक लहसुन का पेस्ट हम यहाँ पर डाल देंगे, क्योंकि गोश्त के अंदर थोड़ा ज़्यादा जाता है, इस वजह से मैं 1.5 चम्मच डालूंगी तकरीबन भर के, क्योंकि बीफ है इसके अंदर, बीफ हो या मटन हो, इसमें थोड़ा गोश्त के अंदर ना ये अदरक लहसुन ज़्यादा ही जाता है, वरना इसकी हीक और स्मेल जो होती है वो ख़त्म नहीं होती, कच्चापन इसका जो है वो आता रहता है। अमूमन लोग यही गलती करते हैं कि अदरक लहसुन का पेस्ट जो होता है वो उसको ठीक से नहीं डालते हैं, और फिर उसकी वजह से उनके खाने की हीक, वो चाहे कितना मर्ज़ी भून लें, वो हीक ख़त्म नहीं होती है। तो वही ख़त्म करने के लिए मुख्तलिफ मसाले और उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी शामिल है। 1/2 घंटा का मैंने इसको लगाई थी बेल, और उसके बाद मैंने इसको देखा ओपन करा, ओपन करने के बाद मैंने इसके अंदर शलजम डाल के 10 मिनट तक मैंने इसको दोबारा से कुक कर लिया था बेल लगाकर, ठीक है। शलजम के साथ मैंने पालक डाली थी थोड़ी सी, और ये देखें इसको मैंने भून लिया अच्छे तरीके से। अब यहाँ पर हम डालेंगे दही। दही बहुत अहम रोल अदा करता है इसके अंदर, इसके अंदर इतना बैलेंस टेस्ट लेकर आएगा कि आपको मज़ा आ जाएगा खाने का। दही मैंने डाला है 1/2 प्याली, यहाँ पे थोड़ी सी मैंने अदरक ले लिया कटी हुई, हरी मिर्ची ले ली है मैंने थोड़ी सी साबुत और थोड़ी सी बारीक काट करके, इसको अच्छे तरीके से हम भून लेंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से। बहुत मज़ेदार सा खाना बनने वाला है और जल्दी से तैयार होने वाला सालन है ये, बस चढ़ाएंगे आप और इधर उधर जाएंगे। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करें जनाब मेरे चैनल को, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मुझे एक छोटा सा कमेंट देना ना भूला करें। चले जी, ये हमारा जो सालन है ये बिल्कुल, हमने 2 मिनट के लिए इसको दोबारा से पिसा हुआ गर्म मसाला और काली मिर्च डाल के बंद कर दिया था ढक्कन लगाकर। चले जी, सालन मेरा बिल्कुल तैयार हो चुका है यहाँ पर, अब इसको हम डिश आउट कर लेंगे। अच्छा, इसको भूनने पे कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, भून इसके अंदर ना बिल्कुल भी यानी कि आपने वो नहीं रखना, भुनाई अच्छी तरह करिएगा, वरना इसके अंदर हीक जो है इसकी नहीं जाएगी। तो ये मैं आप इसको निकाल के आपको दिखाती हूँ। गोश्त बहुत ही अच्छा सा गल गया है, ना बहुत ही ज़्यादा गला हुआ है, ना ही बहुत सख्त है इसके अंदर। सख्ती जब गोश्त में होती है ना खाने का मज़ा नहीं आता, तो इसको आप अच्छे तरीके से गोश्त को गलाया करें, गोश्त गलाने से ही इसमें टेस्ट इन्हेंस होता है। शलजम पालक गोश्त मेरा बिल्कुल तैयार हो चुका है। आपको अगर रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करें, फीडबैक एक छोटा सा देना ना भूला करें। और देखिए जी, हमारा बेहतरीन सा सालन टूट के साथ तैयार हो चुका है, बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही हेल्थ बेनिफिट के हिसाब से भी अच्छा है शलजम गोश्त का सालन। इसको बनाएं, एंजॉय करें। इंशाल्लाह अगली किसी रेसिपी के साथ अंदर फिर अच्छी रेसिपी के साथ फिर से हाजिर होंगे आपके साथ, और अपने फीडबैक देना ना भूला करें। मैंने और भी रेसिपी डाली हुई हैं सब्जियां बनाने की, जो बिल्कुल डिफरेंट रेसिपीज़ हैं, उनको मेरे विजिट चैनल पे मैं आपको इसका लिंक डाल दूँगी, आप ज़रूर देखिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएंगे। चले जी, इसी के साथ दीजिए चाय इजाज़ को इजाज़त, अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर किसी अच्छी रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।